दोस्तों जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, जिसका नाम है द पेल ब्लू डॉट। 14 फरवरी 1990 के दिन नासा के वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया था। और ये फोटो इतना कीमती इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ये जो छोटा सा पिक्सल दिखाई दे रहा ना, वो पता है क्या है? वो है हमारी पृथ्वी। जी हाँ, करीबन 40,000 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस वाली पृथ्वी, जो हमारे लिए काफी विशाल है। लेकिन जब 600 करोड़ किलोमीटर की दूरी से इसी पृथ्वी का फोटो लिया गया तो ये अनंत ब्रह्मांड के बीच किसी धूल के कण के समान लग रही थी। वेल, ये पृथ्वी की इतनी दूरी से खींची गई एकमात्र तस्वीर है, जिसके 34 मिनट के बाद वोयेजर 1 के कैमरास को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक वोयेजर 1 लगातार पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इस वक्त वोयेजर 1 के कैमरास को ऑन कर दिया जाए तो क्या दिखाई देगा, और खास तौर पे एलियंस के लिए रिकॉर्ड किए गए वोयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड में क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। 5 सितंबर 1977 के दिन नासा ने सौर मंडल की सीमाएं नापने और एलियन से संपर्क करने का सपना देखते हुए वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसमें उस समय के सबसे एडवांस विडिकॉन कैमरास, पृथ्वी पर बसने वाले जीवन की जानकारी देने वाली गोल्डन टेप और कुछ पेलोड इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। सन से अपोजिट डायरेक्शन में पृथ्वी से दूर जाने वाले इस स्पेसक्राफ्ट के मिशन की अवधि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल की ही थी। लेकिन लॉन्च के 46 सालों के बाद भी वोयेजर 1 ठीक से काम कर रहा है और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क बनाए रखकर पृथ्वी से लगातार दूर जाता जा रहा है। और अपने सफर में आगे बढ़ते हुए ये स्पेसक्राफ्ट आज पृथ्वी से 2400 यानी कि 2400 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, जिससे ये स्पेस में इंसानों के द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे फार्थेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। दोस्तों 17वीं सदी में जब पृथ्वी पर यूएफओ साइटिंग्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तभी अमेरिकन साइंटिस्ट कार्ल सीगन ने उनके साथ कॉन्टैक्ट करने का एक तरीका खोज निकाला था, और इसी से वोयेजर 1 मिशन लॉन्च करने के सपने की शुरुआत हुई। दरअसल वोयेजर स्पेसक्राफ्ट में ग्रामोफोन के साथ 12 इंच की तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी, जिसे द गोल्डन रिकॉर्ड नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे का मुख्य कारण था अंतरिक्ष में रहने वाले अन्य जीवों को संदेश देना कि भाई हम भी जिंदा हैं, यानी कि इस अंतरिक्ष में हम भी हैं। बाय द वे, जब अंतरिक्ष के किसी एलियन की मुलाकात वोयेजर स्पेसक्राफ्ट से हो तो उसे पृथ्वी के बारे में पता लग सके। इसीलिए इस गोल्डन ऑडियो विजुअल डिस्क में पक्षियों और प्राणियों की आवाज, हवाओं और लहरों की आवाज और विभिन्न प्रकार के संगीत रिकॉर्ड किए गए थे। इतना ही नहीं, इसमें निक सागर नाम के बच्चे की आवाज में अंग्रेजी भाषा में एलियंस के लिए ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन एलियन किस भाषा को समझते हैं वो तो हमें पता नहीं है, इसीलिए नासा ने इस डिस्क में 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें भारतीय भाषाएं जैसे कि बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, तेलुगु और उर्दू जैसी भाषाओं की ग्रीटिंग्स भी शामिल हैं। इसके अलावा वोयेजर में सितार और तबला की धुन पर गाया गया केसरबाई केरकर की आवाज में हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल म्यूजिक जाता कहाँ हो, इसको भी शामिल किया गया है, जो वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ का संगीत इतना दूर पहुंच गया है। यानी गोल्डन रिकॉर्ड में पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के कई रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें सुनकर एलियंस कभी न कभी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने 46 सालों के सफर में कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोयेजर 1 के कैमरास पिछले 33 सालों से बंद क्यों हैं? और अगर आज हम इनके कैमरास को ऑन कर दें तो कैसा नजारा देखने को मिलेगा? दरअसल वोयेजर स्पेसक्राफ्ट में 2 विडिकॉन कैमरास लगे हुए हैं। अब इनमें से एक कैमरा में वाइड एंगल लेंस लगाया गया है, जिससे कि प्लैनेट्स की फुल साइज की तस्वीर खींची जा सके, और दूसरे में नैरो एंगल लेंस लगा हुआ है, जिससे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ जूम करके उनकी डिटेल्ड वाली तस्वीर ली जा सके। लेकिन उस समय कलर कैमरास तो अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए वैज्ञानिकों ने वोयेजर 1 के कैमरास के बाहर एक रोटेटिंग व्हील लगाया हुआ था, जिसमें ग्रे स्केल फिल्टर के साथ साथ ऑरेंज, वायलेट, ब्लू और ग्रीन कलर्स के फिल्टर्स लगे हुए थे। अब वोयेजर 1 ने जब 5 मार्च 1979 के दिन पहली बार जुपिटर को फ्लाई बाय किया था, तभी उसने पहली बार इन्हीं कैमरास की मदद से जुपिटर की थिन रिंग और इसके
थीबी और मेंटीस नाम के दो नए मून्स की तस्वीरें खींचकर पहली बार उनकी खोज की थी। इन कैमरास की फंक्शनिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल, जब भी सन की तरफ से आने वाली लाइट यानी कि रेज जुपिटर पर पड़ती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होकर वॉयजर 1 के कैमरे की तरफ भी आती है, और जब ये लाइट रोटेटिंग फिल्टर से गुजरती है तो इससे जुपिटर की मल्टीपल कलर्स की तस्वीरें क्लिक होती हैं। जैसे कि अगर लाइट ब्लू कलर के फिल्टर से गुजरेगी तो वही ब्लू कलर ही आगे जाएगा, बाकी के कलर्स की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हमें अलग अलग फिल्टर कलर्स की बहुत सारी तस्वीरें मिल जाती हैं। फिर जब उन तस्वीरों को एक साथ मर्ज किया जाएगा तो जुपिटर की एक कलर्ड फोटो बन जाती है, और इस फोटो को विडिकॉन कैमराज में लगी एक कैथोड गन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसे वॉयजर 1 धरती पे मौजूद नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को ट्रांसफर कर देता है। बट वेट वेट वेट, ये प्रोसेस जितना सुनने में आसान लग रहा है ना, उतना एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि वॉयजर 1 के विडिकॉन कैमराज करीबन 50 लाख बिट्स यानी कि 0.6 मेगाबिट्स की तस्वीर खींचता है, जिसकी साइज आजकल के मॉडर्न मोबाइल कैमरास से खींची गई तस्वीर से काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन धरती से कई करोड़ किलोमीटर दूर से इतनी छोटी तस्वीर भेजना भी काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। जैसे कि अपने सफर के शुरुआती कुछ सालों में जब ये पृथ्वी के काफी करीब हुआ करता था, तब ये 115,000 बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता था, जिससे एक फोटो ज्यादा नहीं 43 सेकेंड्स में रिसीव हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, ट्रांसफर स्पीड कम होती चली गई, और आज 2400 करोड़ किलोमीटर की दूरी से इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सिर्फ 160 बिट्स पर सेकेंड की रह गई है। इसी वजह से एक छोटा सा फोटो ट्रांसफर करने में इसे 8 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाएगा, जबकि वॉयजर को पृथ्वी और पृथ्वी से वॉयजर को सिग्नल भेजने में भी 21 घंटे का समय लग जाता है। मगर 1990 में 600 करोड़ किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की आखिरी तस्वीर क्लिक करके इसके कैमरास को बंद कर दिया गया था। उसके पीछे का मेन रीजन ट्रांसफर स्पीड नहीं बल्कि फ्यूल था। दरअसल वॉयजर 1 की कैपेबिलिटीज देखकर साइंटिस्ट ये तो समझ चुके थे कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये कई सालों तक इसी तरह चलता रहेगा और सोलर सिस्टम को एग्जिट करके इंटरस्टेलर स्पेस में भी एंट्री मारेगा। ऐसे में उसे ऑन रखने के लिए फ्यूल बचाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि वॉयजर 1 में 3 रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगे हुए थे, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। लेकिन समय के साथ ये एनर्जी कम होती चली जाती है, और ऐसे में अगर एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई तो फिर हमारा वॉयजर 1 से कॉन्टैक्ट टूट जाता और मिशन वहीं पे खत्म हो जाता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एनर्जी सेव करने के लिए वॉयजर 1 के कैमरास और उससे जुड़े सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया था। इसी वजह से अगस्त 2012 में जब वॉयजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री ली थी, तभी वो हमें सिग्नल भेज पाया और हमें उसकी इस अचीवमेंट के बारे में पता चल पाया था। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर अभी के समय वॉयजर 1 के कैमरास को ऑन कर दिया जाए तो क्या दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि वॉयजर 1 धरती से इतना दूर पहुंच चुका है कि अगर आज इसके कैमरास से सोलर सिस्टम की फोटो ली जाए तो उससे हमें सिर्फ सूरज और जुपिटर एंड सैटर्न जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स दिखाई देंगे, और वो भी सिर्फ चमकते हुए डॉट की तरह, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। वहीं अगर हम इसके कैमरास को अपोजिट डायरेक्शन में फोकस करके फोटो खींचेंगे तो हमें यूनिवर्स के दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे दिखाई देंगे जैसे हम पृथ्वी पर बैठकर एडवांस टेलीस्कोप से देखते हैं। और अगर हमें वॉयजर से कुछ ऐसा देखना है जो हम पृथ्वी से नहीं देख पा रहे, तो फिर हमें इसे अगले कई सालों तक इसी तरह आगे बढ़ने देना होगा, जिससे ये कुछ लाइट ईयर्स दूर पहुंच जाए और हमें किसी और सोलर सिस्टम को पास से दिखा पाए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वॉयजर 1 को इतना दूर पहुंचने में कई 100 साल लग जाएंगे, और जब ये वहां पहुंचेगा तब तक तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। बाय द वे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस नजारे का मजा ले पाएगी। इसके अलावा इतनी दूरी पर जाने के बाद इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी, जिस वजह से इसे पृथ्वी पर एक फोटो भेजने में ही कई सालों का समय लग जाएगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि पिछले 33 सालों से बंद पड़े होने की वजह से अब तो रेडिएशन से एक्सपोज होकर वॉयजर 1 का कैमरा सिस्टम भी खराब हो चुका होगा। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अब वॉयजर 1 के कैमरास को ऑन करना ना तो संभव है और ना ही इसका कोई बेनिफिट यानी कि फायदा है।
बल्कि ऐसा करने के चक्कर में अगर वॉयेजर की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमारा उससे हमेशा हमेशा के लिए कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। मगर हो सकता है कि फ्यूचर में कभी एडवांस सिविलाइजेशंस के एलियंस वॉयेजर के पास पहुंचें और गोल्डन रिकॉर्ड को सुनकर हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, क्या एलियंस सच में होते हैं या नहीं, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।